सो हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सअप की चार ऐसी खुफिया ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप लोग जान जाओगे तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सही किया कि आपने मुझे बता दिया इस ट्रिक के बारे में। अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग को कौन से ट्रिक के बारे में पहले से पता थी। ठीक है, वैसे मैं कवर करके बता दूंगा ताकि किन्हीं को भी कोई भी चीज़ के बारे में दिक्कत, किसी भी ट्रिक के बारे में किसी को दिक्कत ना हो। तो आप लोग को करना क्या, इस ट्रिक को जानने के लिए आप सभी को वीडियो को स्टार्टिंग से बिल्कुल लास्ट तक देखना है, और मैंने लास्ट में एक बोनस ट्रिक भी बताई है, तो आप लोग को एंड वाली पार्ट को बिल्कुल सभी मिस नहीं करना है, नहीं तो आप लोग से वो वाली बोनस ट्रिक जो है सो छूट जाएगी। कुल मिला के पांच ट्रिक है, तो आप लोग को वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट देखना है, तभी आपको पता चल पाएगा। तो मैं आप लोग को फिर से एक बार बोल दूं कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग को करना क्या, अभी से वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आप लोग लाइक करना आगे भूल जाओगे तो आप लोग अभी से ही लाइक कर दो ताकि आप लोग आगे ना भूलो। तो चलो आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो मेरा नाम है केशव एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल केशव यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सभी को करना क्या, सिंपली से व्हाट्सएप पे आ जाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे व्हाट्सएप को जैसे ओपन कर लेता हूँ, आप सभी को थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है, अकाउंट वाले सेक्शन में चले जाना है, प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आप सभी को प्रोफाइल फोटो पे क्लिक कर देना है, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप सभी को उन कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है जिनसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को हाइड करना चाहते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर कोई ना देखे, ठीक है, तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कुछ कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट 15 कॉन्टैक्ट को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे प्रोफाइल पिक्चर को ना देखे। अब सभी को सही के टिक पे क्लिक कर देना है। अभी इनसे जो है सो आपका प्रोफाइल पिक्चर हाइड रहेगा। तो ये हो गई पहली ट्रिक। तो अब बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। तो दूसरी ट्रिक क्या है, तो आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे उसी के नीचे अकाउंट में ही चले जाना है, और यहाँ पे आप सभी को टू स्टेप वेरिफिकेशन दिख रहा है। अगर आप लोग को लगता है कि मेरा व्हाट्सअप अगर कोई हैक कर लिया है, अगर मेरा व्हाट्सअप हैक है या फिर कोई कर सकता है, तो आप सभी को करना क्या है, इसको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। और तीसरी ट्रिक है, आप सभी को करना क्या, सिंपली से स्क्रॉल डाउन करना है, ओरिजिनल सेटिंग में आप सभी को चले जाने ओरिजिनल सेटिंग में। अब देखो होता क्या है कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि हम लोग को व्हाट्सअप पे मैसेज कर देते हैं। ठीक है, अब व्हाट्सअप पे मैसेज करने के बाद उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। अब हम लोग उस वाले मैसेज को कैसे देखें, एक आता है चैटविन ऐप आता है, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हो। वैसे मैं दो तरीका बताऊंगा वो मैसेज देखने का, तो आप लोग ट्राई जरूर कर लेना। एक आता है चैटविन, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हो जाके। एक आता है चैटविन, तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो डिलीट फॉर एवरीवन वाले मैसेज को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो गाइस, यहाँ पे व्हाट्सअप का ही मैसेज आप लोग डिलीट फॉर एवरीवन देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या आता है, सेटिंग पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ओरिजिनल सेटिंग में, अब आप सभी को यहाँ पे सर्च कर देना नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ पे जैसे आप लोग सर्च करोगे ऊपर में एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे आप क्लिक करके इसको ऑन कर देना, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब इसको आप सभी को ऑन कर देना। अब यहाँ पे जितने नीचे में जो है ना, जो जो आप सभी को, जैसे कोई लोग अगर व्हाट्सअप पे अभी तो कोई मेरे मैसेज को डिलीट नहीं करा है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो जो जो तुरंत तुरंत रिसेंट में हुआ है सारा मैसेज आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्म करता रहेगा। तो आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हो, जैसे ही कोई अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, अगर डिलीट करेगा, तो यहाँ पे आप लोग को ऑटोमेटिक तुरंत दिख जाएगा। तो चौथी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को व्हाट्सएप में ही आ जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, सेटिंग वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, अकाउंट वाले सेक्शन पे आ जाना है, प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। अब आप सभी को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली से इस पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई मुझे फालतू लोग ग्रुप में ऐड ना करे, फालतू के मैसेज ना आए, ज्यादा नेट मेरा खर्चा ना हो, मेरा ज्यादा इंटरनेट इन्वेस्ट ना हो किसी भी चीज में, तो आप लोग यहाँ से ग्रुप को जो है सो माय कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप लोग को कोई भी फालतू इंसान जो है सो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। जैसे कोई भी फालतू के कहीं से भी आ जाते हैं, नंबर सेव करके ग्रुप में ऐड कर देते हैं, अगर माय कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी फालतू लोग जो है सो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे। तो ये हो गई चौथी। अब बारी है लास्ट बोनस ट्रिक की। तो अगर आप लोग वीडियो में बने हुए तो आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। तो चलो मैं आप सभी को बोनस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च कर देना है wa.me/countrycode91 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप सभी को उस पर्सन का नंबर डालना है जिनसे आप लोग चाहते हो कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी ना कोई देख पाए, ना ही मेरा नंबर उसके पास जा पाए। आप लोग यहाँ से उस चीज़ को ट्राई कर सकोगे, या फिर आप अपने आप से ही चैट कर सकते हो। जैसे मान के चलो कि खुद से ही अगर चैट करना है, अगर मन नहीं लग रहा है, मन क्या कोई बात है नहीं, अगर चाहते हो कि खुद से ही चैटिंग करना, तो आप लोग यहाँ से भी चैटिंग कर सकते हो। जैसे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, अब यहाँ पे मैं खुद से ही चैटिंग करने लग जाऊँगा। अब इस पे जैसे जाओगे, यहाँ पे ओपन हो के आएगा एक अभी वेबसाइट, आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू टू चैट। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो कि उन पर्सन से चैट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो अपने आप से चैट करना, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली चैट कर सकते हो।
तो ये था बोनस ट्रिक। आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को कौन सी इस ट्रिक के बारे में पता थी और कौन से ट्रिक के बारे में नहीं पता थी। तो आप लोग अगर पता थी तो यस लिखना, और जो जो ट्रिक सबको पता थी आप लोग यस यस और उस ट्रिक के बारे में लिख के नीचे मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे वैसे बता देना, लेकिन मैंने बना दिया इसलिए ताकि आप सभी को अगर नहीं पता हो तो आप लोग को पता चल जाए, या फिर नहीं सारे कई सारे लोग होते हैं ऐसे जिन लोगों को इस ट्रिक के बारे में नहीं पता होती है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस वाले वीडियोस को बना डाली। आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप सभी को करना क्या है, वीडियो को एक लाइक कर देना और आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर ही देना कि आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आप लोग को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना है, ठीक है। तो मिलते हैं आज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बाय।